हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस नए व्लॉग में। तो देख सकते हैं भाई कि आज जो है वो मौसम बड़ा ही रुष्क है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप उतनी है नहीं। और अभी अभी मैं अपने हॉस्टल से बाहर निकला और चलिए आज आपको जो है वो CZU का कैंपस दिखाते हैं। जब भी आप यहाँ पढ़ने आएंगे तो ये है EFG डॉर्मेट्री, जिसका ये वैसे E है, इसके उधर F है जिसमें मैं रहता हूँ, और उसके आगे जो है वो G है, बट G में रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो E और F जो है वो इस टाइम पे ओपन है स्टूडेंट्स के लिए, और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मेनली है। तो इसके अलावा जो है वो इस सड़क से आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कॉलेज का मतलब होता है हॉस्टल या फिर डॉर्मेट्री कह सकते हैं आप। एंड ये डी है, यहाँ पे BCD है, जो येलो वाली बिल्डिंग आपको दिख रही है उधर BC और डी, इधर से इधर दिखाया मैंने EFG, इधर जी है मतलब JIH। तो और इधर एक पार्किंग लॉट होता है, पार्किंग लॉट के उधर जो है वो आपको ग्राउंड्स वगैरह मिलेंगे सारे, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, फुटबॉल ग्राउंड, तो ऐसे करके मतलब सारे जो प्लेइंग एरिया है वो इस तरफ है। एंड यहाँ पे सेंट्रल जो है वो आपको कूड़ा वगैरह आप अपने रूम से रोज पॉलिथीन आप रखते हो, कूड़ादान रखते हो अपने रूम में, देन यहाँ ला करके आपको डंप करना है। जैसे ये ग्लासेस के लिए है, येलो वाले जो हैं वो मेरे ख्याल से पेपर के लिए नहीं, प्लास्टिक के लिए हैं, ब्लैक वाले मिक्स जो वेस्ट होते हैं उसके लिए, जो क्या नाम है ब्लू हैं वो पेपर के लिए हैं, ऐसे करके आपको करना होता है डंप। और ये है साफ़ सफाई वालों की गाड़ी, साफ़ सफाई चल रही है वीकेंड्स पे। तो इसके अलावा जो है ये आप देख सकते हो, ये कौन सा है, कॉलेज BCD है ये, मतलब डॉर्मेट्री BCD जैसा बताया मैंने। बहुत अच्छा माहौल होता है वैसे, कि क्या नाम है, अभी तो जैसे ठंड है, ठंड में तो उतना चहल पहल नहीं है, सब लोग अपने रूम के अंदर ही रहते हैं, जब भी काम पड़ता है तभी बाहर आते हैं। बट वैसे जो है वो गर्मी में जब मैं यहाँ पे आया था तो ये जो रोड है इसके ऊपर रात में लोग बैठ करके जो है वो मतलब ऐसे कुछ गाना वगैरह गाना ऐसे मतलब मस्ती करते हैं बढ़िया। तो ये है सारे, वैसे हवा चल रही है बहुत तेज, तो पता नहीं आप लोगों को जो है वो आवाज़ सही से सुनाई दे रही है। अच्छा, ये जो है ना वो एकोमोडेशन मेन हेड ऑफिस है, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर यूनिवर्सिटी में जो है जब आप एडमिशन आपका हो जाता है एंड एकोमोडेशन के लिए जब आप ट्राई करते हो तो यहीं पे जो है वो एकोमोडेशन ऑफिसर्स जो है वो मेन एडमिनिस्ट्रेशन जो एकोमोडेशन का है वो बैठता है, तो यहीं से आपके रिप्लाई जाते हैं। तो चलिए चलते हैं इस तरफ, ये यहाँ से आप बाहर निकल जाएंगे सीधे जा करके, ये भी एक बड़ा पार्किंग लॉट है, देन हम जो है वो कैंपस की तरफ चल रहे हैं। अब ये रेजिडेंशियल इलाका हो गया जहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं, और ये सारे साइकिल स्टैंड छोटे छोटे ऐसे लगे रहते हैं हर जगह वैसे तो। और ये बच्चों के लिए एक छोटा सा चिल्ड्रंस पार्क करके आप मतलब है, जिसमें छोटे बच्चे वगैरह खेलते हैं, स्पेस काफ़ी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि क्या नाम है इतनी ज़्यादा अभी आगे चल के, या फिर ये तो प्लानिंग होगी यूनिवर्सिटी डिज़ाइन करने की, बट स्पेस काफ़ी छोड़ रखा है हर जगह पे। यार बाल ही सही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ यार, ये वाला जो पेड़ है ना भाई, इस समय तो जैसे मतलब जैसे है नहीं कि बाल हमारे हो जाते हैं बिना तेल के या फिर बिना केयरिंग के, वैसे हो गया है। लेकिन गर्मियों में जब पूरे इस पे पत्तियाँ होती हैं ना भाई, ये इतना खूबसूरत लगा था मुझे, बड़ा फैसिनेटिंग लगा था जब मैं शुरू में इसको देखा था, तो पूरी पत्तियाँ थी और ये ना एकदम ऐसे कैनेपी बन जाती है, पूरी ओवरलोडेड रहता है लीव से। तो और इसके अलावा आप ये जो देख रहे हो ना, सभी हॉस्टल के पीछे आप ये सब देखोगे, ऐसे मतलब कुछ छोटा सा इंडस्ट्रियल सेटअप जो है, ये वैसे है पानी गर्म करने का, जहाँ पे
जो है वो पानी वगैरह बॉयल होता है, सोलर वैसे लगा हुआ है इसके ऊपर, तो इस यही पानी जो है पूरी बिल्डिंग में हॉस्टल्स में फ्लो होता है और उससे जो है वो गर्मी बनी रहती है। और ये है मेंज़ा, जहाँ पे हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, कैंटीन, ठीक है। और सामने मेंज़ा, ये मेंज़ा और ये जो सामने है ये है औला। औला मतलब होता है जो मेन सेंट्रल जो कॉन्फ्रेंस हॉल है। और उसके अलावा ये है छोटा सा पब या फिर मतलब रेस्टोरेंट टाइप का। इसके अलावा ये इकोनॉमिक्स की फैकल्टी है, इसके पीछे वो पब है। और चलिए आगे चलते हैं। आज वैसे वीकेंड का दिन है तो जो है वो ज़्यादा लोग आप लोग को दिखाई नहीं देंगे। अब वैसे भी लोग इतने कम ही होते हैं, मास्टर्स और बैचलर्स के स्टूडेंट हटा दें अगर कैपेसिटी उतनी नहीं रख रखी है, हटा दें तब तो यूनिवर्सिटी पूरी खाली है। इतनी बड़ी है लेकिन खाली खाली सी लगती है। और ये सारी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ का ऐसा ही हाल है, मतलब लोग ऐसे होते ही हैं, लोग इतने कम हैं। तो ये है मेंज़ा, और बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा सब्सिडाइज रेट पे खाना मिलता है। एंड इसके अलावा आप देख सकते हो ये है फिल्टर मैक। फिल्टर मैक जो है वो क्या है, पानी यहाँ से जो है आप भर सकते हो। तो ऐसे नॉर्मली आप जा करके तुरंत पानी नहीं भर सकते हो, आपको जो है वो हमें, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख रहे हो फिल्टर मैक, ये सॉफ्टवेयर है एंड इसी कंपनी का जो कि यूनिवर्सिटी ने दे रखा है। और इसको आप स्कैन करोगे, एक दिन में 3 लीटर पानी आप जो है वो इससे ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मिनरल वाटर भी सिस्टम बना रखा है ताकि पानी का जो है वो ज़्यादा वेस्टेज ना हो, जितना नॉर्मली ज़रूरत होती है उतना ही बच्चे भरे और ले जाए अपने रूम्स वगैरह पे। और यहाँ आप झंडे देख सकते हो, ये यूरोपियन यूनियन का, ये चेक रिपब्लिक का और ये यूनिवर्सिटी का। और वैसे आपको यूरोपियन कंट्री में हमेशा एक साथ 2 झंडे हमेशा दिखेंगे, एक यूरोपियन यूनियन का और एक उस कंट्री का जिस कंट्री में आप हो। और ये है कॉन्फ्रेंस हॉल यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये काफ़ी लंबा है उस तरफ भी और बहुत खूबसूरत है ये अंदर से भी। कॉन्फ्रेंस हॉल तो वैसे सबके ही अच्छे होते हैं, काफ़ी मज़ेदार होते हैं। और ये वाली बिल्डिंग है जो मैंने पिछले व्लॉग में आप लोग को दूसरी साइड से दिखाया था, जो मेन रेक्टोरेट बिल्डिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन हाउस जिसे कह सकते हो आप। और बहुत सारे बच्चे बी एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो, मतलब बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एडमिशन लेना चाहते हैं, उनकी फैकल्टी ये है दोस्तों। आप मतलब आप लोग की फैकल्टी ये है, बहुत बड़ी फैकल्टी है एक ये है, और ये पीछे तक फैली हुई है। इसके अलावा जो मैंने मेंज़ा के उस तरफ जो एक बिल्डिंग दिखाई वो भी इकोनॉमिक्स वालों की है। तो ये है इकोनॉमिक्स की, बट इसके अंदर अब डिपार्टमेंट्स बहुत सारे आ जाते हैं फैकल्टी के अंदर, तो BA हो गया, इसके अलावा MBA हो गया, और IT के भी कोर्सेस हैं, लैंग्वेज के भी हैं, बहुत सारे कोर्सेस के अंदर आ जाते हैं। तो देख सकते हो ये है आप लोग की मेन बिल्डिंग, और ये मेन रोड है जिसको कि आप एकदम सीधे जाओगे तो यूनिवर्सिटी के कैंपस से एग्जिट हो जाओगे, ठीक है। एंड इसके अलावा जो है वो इस रोड पे वैसे रेसिंग वगैरह जो है वो भी होती रहती है, मतलब कभी कभी कुछ ना कुछ रेसिंग कार्स वगैरह, रेसिंग इवेंट्स वगैरह करते रहते हैं कभी कभी। ये देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ PEF, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है अंदर इसका। मुझे सबसे अच्छी फैकल्टी ये लगी इंटीरियर के हिसाब से देखूँ तो, क्वालिटी तो वैसे मुझे उतना नहीं पता है बट अंदर से सेटअप और इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। धूप निकलती है ना तो ऐसा लगता है जैसे ऋतिक रोशन की जो मूवी नहीं है जिसमें एलियन आ जाता है, धूप से उसको शक्ति मिलती है, तो वैसे ही फील होता है। अच्छा ये है मेन जो है स्टेज, स्टेज कह सकते हो, जिसके ऊपर कुछ परफॉर्मेंसेस वगैरह भी होती हैं। वैसे मैंने 1-2 बार ही देखा है, और बहुत बार हुई हैं बट मैं अवेलेबल नहीं रहा हूँ उस चीज़ के लिए। और ये अगेन मेरा डिपार्टमेंट आ गया। एंड इसके अलावा जो है ये मेन सेंट्रल जो है वो लोकेशन है यूनिवर्सिटी का। अब इसके पीछे, इस बिल्डिंग के पीछे जो है वो दूसरा संसार है, मतलब कि अब आपका एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट है, इसके अलावा जो है वो एनिमल्स वालों का है, जूलॉजी वालों का है, इसके अलावा और कौन है, ट्रॉपिकल साइंस है, फॉरेस्ट्री है, बहुत सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं पीछे जा कर के। और इसके अलावा
दैट्स इट, यही है। और इसके अलावा और पीछे भी जा करके मैं डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स वगैरह से बात वगैरह करने की भी सोच रहा हूँ इकोनॉमिक फैकल्टी के अंदर, एंड डेफिनेटली वो मैं करूँगा। थोड़ा सा टाइमिंग का इशू हो जा रहा है, नहीं कर पा रहा हूँ मैं वीडियोज़, मैं रोज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बट वो भी नहीं हो पा रही है। बट आप लोग का सपोर्ट रहना चाहिए, आप लोग जो हैं वो थोड़ा चैनल को मेरे सब्सक्राइब वगैरह अगर करने का मन करे तो करो, प्लीज़ करो, ठीक है। एंड जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन आए और मैं और ज़्यादा जो है वीडियोस बनाऊं और दो दो तीन तीन वीडियोस आप लोगों को दिन दिन में दिखाऊं, ठीक है। एंड वैसे मेरा ये है कि अगर आप कभी भी ये सोचो कि चेक रिपब्लिक में आना चाहते हो या यूरोप में आना चाहते हो, तो आपको बहुत ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू आप लोगों तक मैं पहुँचाऊँ। तो चलिए इसी मोटो के साथ जो है वो वीडियो को एंड करते हैं, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरी बात पे जो है चर्चा करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।